सत श्री अकाल जी, नमस्ते, सलाम अलैकुम। मैं जीत सिंह अज नवी वीडियो दे विच तुहाडे नाल गलबात करांगे इलैक्ट्रीशियन दे काम दे विच। वीडियो दे टाइटल तों तुहानू पता लग गया होगा कि अज आपां इलैक्ट्रीशियन भी किहड़े जिहड़े इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रीशियन ते नाले हाउस इलैक्ट्रीशियन जिहड़े उहदे बारे आपां गल कर रहे हां। ते वीडियो नू लाइक कर दिओ, शेयर करिओ ते सबसक्राइब जरूर कर दिओ चैनल नू। जी अज असी वीडियो बना रहे हैं इलैक्ट्रीशियन के संबंध में, मेरे नाल ने बलविंदर सिंह जी जो साढ़े सुपरवाइजर भी है और नाल दी नाल साढ़े इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर भी है। तो सत श्रीकाल भाई जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। तो अज असी वीडियो के गल करांगे, बेशक आप वीडियो बड़ी लंबी नहीं करनी, माफ़ी चाहना मैं पंजाबी गल करदा, लेकिन साढ़े कमेंट आते हैं कि वीडियो हिंदी में बनाओ, तो इसके लिए हमको हिंदी में बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त हैं पंजाब के बाहर वो हिंदी बात समझते हैं, पंजाबी सभी को समझ नहीं आती। हाँ चलो, जो मेरे पंजाबी भाई हैं वो तो जरूर के हिंदी समझ भी लेते हैं, इसके लिए मैं हिंदी में ज़्यादातर बात करूँगा आज, है ना। लास्ट वीडियो मैंने आज से 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, तो वहाँ पर उस दिन मेरे को पंजाबी में बात किया तो कमेंट मोस्टली आने लगे कि भैया जी हिंदी में वीडियो बनाओ। तो मेरा नाम जीत सिंह है, एज ए MT वर्ल्ड ट्रेनिंग सेंटर से मैं आपके साथ हर एक वीडियो लेके आता हूँ। तो जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की फीस है या कितने टाइम का प्रोसीजर है, मैं बलविंदर सिंह जी जानता हूँ। बलविंदर जी, मेरे को ये बताइए कि जो आप इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते हो, कितने टाइम का ये कोर्स होता है और उसकी फीस कितनी होती है? ये जो कोर्स होता है ये 45 दिन का होता है। 45 डेज का? 45 डेज का। अगर आप डबल क्लास करोगे तो हम लोग 22 या 25 दिन में आपको कंप्लीट करवा देंगे, यानी अप्रोक्स एक महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। हो जाती है, यानी 45 डेज का। अगर सिंगल क्लास करोगे तो पूरा 45 डेज का टाइम है। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कि आप इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हो, किस तरह की चीज, किस किस चीज की बताते हो? देखिए, इसमें हम लोग हाउस वायरिंग, केबल को ग्लैंड करना, आर्मंड और PVC दोनों केबल के बारे में बताएंगे, ठीक है जी, और DB पैनल की फिटिंग के बारे में बताएंगे। अच्छा, DB बोर्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और PV यानी कि पैनल बोर्ड की फिटिंग के बारे में, कैसे उनमें पूरा 3 फेज का कनेक्शन किया जाता है। अच्छा, कैसे उनमें RCCB कहाँ लगता है, MCB कहाँ लगता है, ये सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद में हम लोग आपको जो आर्मंड केबल का ट्रे का फिटिंग होता है वो भी पूरा बताएंगे। हाँ जी, वो भी बताया जाएगा। बलविंदर जी, मेरे को ये बताओ कि आपके पास जो आजकल स्टूडेंट भी है वो मोस्टली कनाडा के आ रहे हैं? कनाडा के लिए, कनाडा के आ रहे हैं। अभी आज भी हम मॉर्निंग में देख रहे थे, आप वीडियो में भी देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स काम भी करते हैं या सीखने आए हुए हैं वो मोस्टली कनाडा से आए हुए हैं, तो कनाडा में स्कोप भी ज़्यादा है। और मेरे को ये भी पता चला, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव हैं वहाँ पे, बताते हैं $35 से $40 पर आवर आपको मिल जाते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन। ये एक अलग मैटर है कि आपके पास इलेक्ट्रिशियन का काम है तो आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस भी प्लस होना चाहिए, तो जो वो आप कनाडा में जाके या विदेश में जाके गेन कर दोगे। मेरे को ये बताइए कि आप इंडिया में ट्रेनिंग देते हो लेकिन स्टूडेंट ने विदेश जाना है, तो आप ट्रेनिंग क्या पहले से उसके हिसाब से विदेश का ही देते हो या कैसे? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग विदेश का देते हो, क्योंकि मेरा खुद का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ का है। मैंने पहले दुबई में, कतर में, सऊदी में भी काम किया हुआ है, केबल ग्लैंडिंग वगैरह, पैनल फिटिंग, इंडस्ट्रियल एरिया का काम मैंने पूरा गल्फ में किया हुआ है जी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो बलविंदर जी हैं, बलविंदर सिंह जी, इनका दुबई और दोहा कतर में एज ए इलेक्ट्रिकल फोरमैन UBC कंपनीज में इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। कितना साल आपने काम किया जी? 10 साल काम। 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है उनका। तो इसके हिसाब से हम ऑलरेडी जो ट्रेनिंग होगी आपकी, बेसिकली वो हम शुरुआत ही ऐसे करेंगे ताकि आपको विदेश में जाकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो इसके अलावा मेरे को ये बताइए, जैसे जनरेटर वगैरह में ऑटोमेटिक कट होते हैं वगैरह, है वो सब कुछ बताया जाएगा, चेंज ओवर वगैरह सब कुछ आप सब कुछ बताया जाएगा, जो जनरेटरों का बड़े बालों को ऑटोमेटिक कटिंग करते हैं जी, जो कंप्यूटराइज उसका किया जाता है कि एक पे लोड होने के बाद अगर मान लो लोड बढ़ता है तो वो दूसरा जनरेटर कैसे ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ये भी सब कुछ बताया जाए, सब कुछ बताया जाए। तो दोस्तों, बेफिक्र होकर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग आपको करना हो तो बेफिक्र होकर आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। होशियारपुर में ये ट्रेनिंग होती है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, वेल्डिंग, इसमें आर्क, टेक, मेक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन स्पेशली,
और उसमें भी जैसे भाई साहब ने बताया कि केवल ग्लाइडिंग और ट्रे की जो सेटिंग होती है वायर वगैरह की। और अच्छा मेरे को बिरेंद्र जी ये बताइए कि उसमें वायर वगैरह बताते हो कितने एमएम की वायर, बिल्कुल सब कुछ बता देती है, कितने का वायर होता है उसका साइज वगैरह, कौन सी वायर कितना एम्पियर देती है सब बताते हो, तो सब कुछ हम बताते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा हमारे पास एच वी एसी टेक्नीशियन और सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग, इसके अलावा हैवी इक्विपमेंट्स आपने अलग से वीडियो में बताया था, आपको वीडियो में बताया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी इसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा। तो कोई भी हमारे भाई अगर कैनेडा जाना चाहते हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल कौन सा देना है उसके हिसाब से हम सारा बताते हैं। प्लम्बिंग का काम भी हमने शुरू किया है तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो भी बनाएंगे कि प्लम्बर के काम में कैसे हम ट्रेनिंग देते हैं। आइए बेफिक्र होकर के, हमारे स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और हमारे मोबाइल नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और उसके ऊपर कभी भी आप कॉल करके आ सकते हो। ठीक है जी, आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। नमस्ते, सत श्री अकाल।